प्रिय दर्शकों, आज हम सेम मुखेम नागराजा मंदिर जा रहे हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में है। यह एक प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। यह पौड़ी गढ़वाल के लोगों के कुल देवता हैं। श्रद्धालुओं में यह सेम नागराजा या सीम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषिकेश से नागराजा मंदिर की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। भगवान श्री कृष्ण को भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में विट्ठल जी महाराज, गुजरात में रणछोड़ जी, राजस्थान में श्री नाथ जी, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी, बंगाल में महाप्रभु व ठाकुर जी और उत्तराखंड में नागराजा नाम से श्री कृष्ण के नाम की पूजा की जाती है। श्री सेम मुखेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड के पांचवें धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये टिहरी झील के ऊपर बना डोबरा चांठी पुल है। इस पुल की लंबाई लगभग 725 मीटर है। बहुत ही सुंदर पुल है। समुद्र तल से 9000 फीट ऊंचाई पर स्थित श्री सेम नागराजा मंदिर पहुंचने के लिए ऋषिकेश से मोटर मार्ग से नरेंद्र नगर, चंबा, मेंगा, भल्डियाना बैंड, झूला पुल, लंबगांव, कोडार, खम्बाखाल, मुखेम तलबला, सेम तक लगभग 175 किलोमीटर यात्रा मोटर वाहन द्वारा करने के पश्चात 2.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई यात्रा करके श्री सेम मुखेम नागराजा मंदिर पहुंचा जाता है। मंदिर के पुजारी अर्थात रावल सेमवाल पुरोहित हैं, जो यात्रियों के ठहरने की और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। एक छोटी धर्मशाला सेम मंदिर में भी है। तलबला सेम में समाज सेवी संत श्री कुलानंद जी महाराज ने एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कराया है, जिसमें खाने और रहने की व्यवस्था भी है। अब हम तलबला सेम में समाज सेवी संत श्री कुलानंद जी महाराज की धर्मशाला में पहुंच गए हैं। यहाँ पर यात्रियों की भोजन की व रहने की पूरी व्यवस्था है। सर्वोच्च नाग तीर्थ सेम नागराजा मंदिर के आसपास इस वन क्षेत्र में अनेक ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं के साक्षात प्रमाण विद्यमान हैं। इनमें सतरंजू सेम, तलबला सेम, बरगला सेम, डुगडुगी सेम, काला सेम, गुप्त सेम और राधा कृष्ण मंदिर मुखेम प्रमुख हैं। ऐसी मान्यता है कि इस वन प्रदेश में परियों अर्थात आचरी माँ के रूप में वास करती है और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। Thank you.
सेम मुखेम में हर तीसरे साल मार्गशीर्ष माह में अर्थात नवंबर में भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख लोगों का भंडारा आयोजित किया जाता है। यहाँ से नागराजा मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू होता है, जिसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। ये अन्य श्रद्धालु भी अपने कुल देवता के दर्शन हेतु मंदिर जा रहे हैं। यहाँ मंदिर की चढ़ाई चढ़ते वक्त रास्ते में विश्राम स्थल है। सारे दुख, उसके अल्प दोष, कल्प दोष, पितृ दोष, दुष्गुण लोग, उसमें अगर दाग, खुजली, कुष्ठ रोग है, तो सारे इस दर्शन करने से और इनके जो चरणों से जो पानी बाहर निकल रहा है, उसके चरणार्थ जो पानी के स्नान करने से, पीना करने से समस्त दोष, समस्त काल सर्प योग जो ये दूर हो जाते हैं, ये भगवान की उत्तरद्वारे का है। क्योंकि कभी कभी नागराजा का दोष लगने से दुधारू पशुओं का दूध गुलाबी रंग का हो जाता है या फिर पशु दूध देना बंद कर देता है। तब उस दोष को उतारने के लिए नागराजा की पूजा की जाती है और पशु पहले जैसा दूध देने लगता है। नागराज देवता का दोष सर्वप्रथम राजा गंगूरमोला के दुधारू पशुओं पर ही लगा था। यह नागतीर्थ सेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध है। नागराजा मंदिर
लम गांव से होते हुए करीब 2.5 किलोमीटर मार की दूरी पर स्थित है। अब हम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। मंदिर का सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा तथा 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण नागराज के फन के ऊपर बंसी की धुन में लीन हैं। मंदिर में प्रवेश के बाद नागराजा के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है। यह शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर की दाएं तरफ गंगू रमोला की परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यह माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। मान्यता है कि इस जल को पीने से और स्नान करने से सभी कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। इस सिद्धपीठ स्थान तपस्वी जो भूमि है भगवान नागराजा की, पहले मैं आपको स्तुति सुनाऊंगा जिससे भगवान प्रकट होते हैं। ॐ नत्वा मुरारिः रमया समेतं शिवं गणेशाय कुलदेवता च नवाग्रहाणां प्रणपत्यभक्तं वन्दे वदाया श्रीसीमवातं कालयाय नागाय कपिलानन्दं श्रीवासुकेतचकनाभिराजा जो नाम निवेशा समेतं श्रीनागराजाय चरणास्मरामि श्रीनागराजाय चरणास्मरामि। तो विश्वविख्यात ये देवता जो हमारे भारतवर्ष में केदार खंड में
और उत्तराखंड के अंतर्गत ये सेम वन क्षेत्र में ये क्या है, ये शिला जो यहाँ पे है, ये प्रगटा सिंह के रूप में यहाँ पे जो प्रकट हो रखी है, क्योंकि भगवान कृष्ण की चार द्वारिका है और चार द्वारिका में भगवान और जितने भी ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, समस्त जो हमारे देवी देवता है उनका वास जो है केदारखंड में है, और केदारखंड में समस्त देवी देवताओं ने जो कहाँ पे जो ये रमणीक देव जो सिंह के जो है ये भगवान की उत्तर द्वारिका है। उत्तर द्वारिका में जो भी भक्त आता है, जो भी किसी भी मनोकामना लेके आता है और इस शिला रूप प्रगट सिंह का दर्शन करता है, उसके सारे दुख, उसके अल्प दोष, कल्प दोष, पितृ दोष, दुष्गुण रोग, उसमें अगर दाग, खुजली, कुष्ठ रोग है तो सारे इस दर्शन करने से और इनके जो चरणों से जो पानी बाहर निकल रहा है उसके चरणार्थ पानी के स्नान करने से, पीना करने से समस्त दोष, समस्त काल सर्वयोग जो ये दूर हो जाते हैं, ये भगवान की उत्तर द्वारिका है। क्योंकि कलयुग में और द्वापर युग से जो हमारी परंपरा और द्वापर युग से जो भगवान का जो स्थान रहा हुआ है ये समृद्धि से मुखेम है। भगवान ने जब महाभारत का युद्ध समापन किया था तो महाभारत युद्ध समापन के बाद भगवान ने माता राधा रुक्मिणी से कहा कि मैं अब ऐसे एकांत स्थान में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भक्त उस स्थान में आए और उनको भी शांति की साधना प्रकट हो और उनकी सारी मनोकामना वहाँ जाके विराजमान होगी, मैं वहाँ पर पूर्ण रूप से दर्शन दूंगा। तो भगवान ने कहा कि यहाँ तो मैं अपने वृंदावन धाम मथुरा धाम में यहाँ जो महाभारत में जो युद्ध हुए, इनके चाचा कौरव थे, पांडव थे, इनके चाचा ताऊ आपस में भिड़ गए थे, लड़ गए थे, सब लोग जो परेशान थे, इसलिए इस परेशानी के कारण से मैं जो अब जो उत्तर द्वारिका में आपका वास करता हूँ, उत्तर द्वारिका में ये जो प्रगटा सिंह है यहीं पर जो वास शिला के रूप में जो दर्शन होते हैं और यहीं जाके भगवान ने जो ये महाभारत युद्ध समाप्त के बाद भगवान एकांत स्थान के लिए आए थे। तो यहाँ का जो पट्टी उपली रमोली यहाँ का जो राजा था वो गंगूरमोला था, उसी की पूजा यहाँ होती थी, और वो गंगूरमोला कौन था जिसका बगल बगल में मंदिर है, जो काल्यानाग है, जो जमुना जी में था, उस काल्यानाग का भगवान ने उतार करके जो उसको यहाँ राजा बना दिया था गंगूरमोला। इस प्रकार से भगवान का सब तो सही है, ठीक है, नाग राजा सभी भक्त देश भक्तों का निवेदन है सभी मनोकामना सिद्ध करें। मुख्य पुजारी पाँचों धाम सेमनागरजा, शैलेंद्र दत्त सेमण रावल मंदिर सेमनागरजा, 99 97 16 20 14 777 162014 14, सभी प्रकार की पूजा पाठ या किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो संपर्क कर सकते हैं। जय सेमनागरजा।